acceleration due to gravity g and mean radius of earth rho, which of the following relation is इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर। जी इज इक्वल टू जी एम ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर, ये होता है। अब ये इसी रिलेशन को हमें डेंसिटी के टर्म में लिखना है। इसी रिलेशन को डेंसिटी के टर्म में लिख के हमें रो डेंसिटी निकालना है, क्योंकि देखो स्मॉल जी दिया हुआ, सब में कैपिटल आर दिया हुआ, तो इसको डेंसिटी के टर्म में कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कैपिटल जी आर स्क्वायर, और ये जो मास है दैट इज मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, इधर गया जी। तो ये आर ने आर को यहाँ से खत्म कर दिया, तो रो की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी, 3g 4 पाई कैपिटल जी, और एक आर और आएगा 4 पाई एक आर और आएगा ना, तो ये 3g और ये 4 एक आर और बच गया था 4 पाई जी आर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यू, ठीक है, क्लियर है, आसान था ही आसान क्वेश्चन।